नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। उससे पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। कर्नाटक में वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने की तैयारी, सांसदों विधायकों के लिए अलग टोल लेन बनाने की मांग। वहीं कांग्रेस बोली आदेश दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या, पूर्णेश ने कहा कोर्ट के फैसले को माने राहुल गांधी और कांग्रेस। बैंकॉक में होगा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन, नवंबर में 60 से ज्यादा देशों के हिंदू होंगे इकट्ठा। उत्तराखंड में पहाड़ी से फिर आया मलबा, बद्रीनाथ हाईवे छिनका में अवरुद्ध, 10,000 यात्री फंसे। जयशंकर ने चीन पर बोला हमला, कहा भारत अधिग्रहित अर्थव्यवस्था नहीं, अफ्रीका को लेकर भी कही बड़ी बात। गो फर्स्ट को राहत मिलने के आसार, SIAC ने PNW से कहा दिसंबर तक के हर महीने 5 इंजन मुहैया कराए कंपनी। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, अब तक 84,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया हमला, बोले छत्तीसगढ़ में बदलबो की गूंज। वनडे वर्ल्ड कप के तहत पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का चैलेंज, किसी भी टीम से कहीं भी खेलने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट से सिंधिया को राहत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। वहीं सीएम भगवंत मान ने की मनरेगा का मानदेय बढ़ाने की मांग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज को लिखा पत्र। रूसी नागरिक के पास आधार पश्चिमी बंगाल के पते पर UID बनवा, पूरा भारत घुमा, बिहार में पकड़ाया। महाराष्ट्र में टला बड़ा हादसा, जालना में रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थरों से भरा ड्रम, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा रोकी ट्रेन। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने 3.28 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। ट्विटर ने थ्रेड्स को लेकर मेटा को अदालत में घसीटने की दी धमकी, कहा प्रतिस्पर्धा ठीक, धोखाधड़ी नहीं। राजस्थान में राहुल गांधी के समर्थन में नेताओं ने किया प्रदर्शन, खाचरियावास बोले हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। NPA पर पारदर्शी तरीके से नजर रखे सरकारी बैंक, वित्त मंत्री सीतारमण का बैंक प्रमुखों को निर्देश। मणिपुर के बिष्णुपुर में अंधाधुंध गोलीबारी, किशोर की गोली मारकर हत्या। बंदला साइट से पैराग्लाइडिंग शुरू, पंजाब के पायलट ने भरी पहली उड़ान। मिशन 2024 के तहत दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर हो सकती है चर्चा। जन्मदिन की शुभकामनाएं धोनी, 42 साल के हुए चेन्नई के कप्तान धोनी, 1000 करोड़ से ज्यादा है रांची के राजकुमार की नेटवर्थ। वहीं कर्नाटक में पीएम के खिलाफ दी गई टिप्पणी अपमानजनक, लेकिन देशद्रोही नहीं, हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को दी राहत। महाराष्ट्र में देर रात सीएम एकनाथ शिंदे से मिले फडणवीस, से कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के बुलढाणा बस हादसे की फोरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, शराब के नशे में था ड्राइवर। बंगाल में पंचायत चुनाव से एक दिन पहले मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वहीं 36 घंटे 4 राज्य 50,000 करोड़ की 50 योजनाओं की सौगात देंगे पीएम, आज छत्तीसगढ़ से दौरे की शुरुआत की। मणिपुर मसले पर अमेरिकी मदद की गारसेटी की पेशकश पर भड़के मनीष तिवारी, कहा ऐसा बयान कभी नहीं सुना।
ब्रिटेन की सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे अजीत डोवाल, खालिस्तान मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला किया खारिज। बड़ी खबर, असम में 8 समूहों के 1182 उग्रवादियों ने सौंपे हथियार। टमाटर के बाद आलू प्याज भी हो सकता है महंगा, अदरक मिर्च समेत अन्य कई सब्जियों के बड़े दाम। मिशन 2024 के लिए 13 लाख करोड़ की 900 परियोजनाएं, 560 के उद्घाटन की तैयारी, हिंदुत्व के साथ विकास भी बनेगा भाजपा का मुद्दा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सुनवाई भूमि के कब्जे का पर्याप्त अधिकार नहीं। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, नतीजों के 10 दिन बाद भी तैनात रखे केंद्रीय बल। उम्र 82 हो या 92, मैं अभी भी प्रभावी, एनसीपी को दोबारा खड़ा करूंगा, शरद पवार का अजीत पवार को जवाब। सम्मान नागरिक संहिता पर सरकार ने रिजिजू के नेतृत्व में बनाया मंत्री समूह, सबसे पहले उत्तराखंड में होगी लागू। भारतीय महिलाओं में बड़ी उम्र में मां बनने की क्षमता घटी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य के सर्वे में बड़ा खुलासा। राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की, 15 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। 65 जिलों में ट्रायल सफल के बाद 7 अगस्त से होगी यूवीन की शुरुआत, जच्चा बच्चा का रखा जाएगा ख्याल। एनडीए के कैबिनेट विस्तार के बाद बढ़ेगी राजग की ताकत, मानसून सत्र से पहले होगी भाजपा के सभी सहयोगी दलों की बैठक। बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी बोले भाजपा वंशवाद की राजनीति समाप्त करने के लिए विधेयक लेकर आए, मैं समर्थन करूंगा। 12 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, यूपी मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 9 की मौत। डायबिटीज से भारत में 10 से 14 साल के बच्चों की सबसे अधिक मौत, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट में खुलासा। शरद पवार बोले मैं ही राकंपा का अध्यक्ष है, इसके अलावा कोई कुछ भी कहे उसमें कोई सच्चाई नहीं। नौसेना प्रमुख बोले प्रीडेटर ड्रोन और P-8I निगरानी विमान उपयोगी, इनसे बढ़ती है हमारी ताकत। MNS नेता ने किया संजय राउत के साथ सफर, उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज। भाजपा का बड़ा आरोप, कांग्रेस के ATM की तरह काम कर रही भूपेश बघेल सरकार। मणिपुर में 24 बंकरों को किया गया ध्वस्त, पहाड़ी घाटी में तलाशी अभियान जारी, हिरासत में लिए गए 352 लोग। रिपोर्ट में खुलासा, 12% भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, 47% लोग निगरानी ग्रिड से बाहर। बाल देखभाल केंद्रों में बुनियादी कमियों को किया जाएगा दूर, स्मृति ईरानी ने मांगी जानकारी। भारतीय दूतावास पर हुए हमले की अमेरिकी सांसदों ने की निंदा, कहा हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। लंदन के डिप्टी मेयर ने इंदौर की तारीफ में पड़े कसीदे, बोले सफाई के मामले में हमें सीखने की जरूरत। असम में आदिवासी उग्रवादी संगठनों के हजारों लोगों ने डाले हथियार, सीएम बोले शांति की ओर एक और कदम बढ़ा। बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस रवाना हुआ तीनों सेनाओं का दल, इमैनुअल बोने ने प्रधानमंत्री मोदी और NSA डोवाल से की मुलाकात। कन्हैया कुमार बने AICC के प्रभारी, 2 साल पहले कांग्रेस में हुए थे शामिल। ओडिशा में रियल एस्टेट ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी, 9 करोड़ की नकदी जब्त। पश्चिमी बंगाल में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में CBI ने लिया एक्शन, 7 के खिलाफ दर्ज की FIR।
वहीं भारतीय वायुसेना में 14.6% है महिला अधिकारियों की संख्या। 31 साल पहले प्रथम बेंच ने लिया था प्रशिक्षण। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।